ओके सो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय वन द क्वेशेंट इज द नंबर इट्सेल्फ। क्या बोल रहे हैं यहाँ कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वन से, तो क्वेशेंट जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर इट्सेल्फ, यानी आंसर वो ही नंबर आएगा। लाइक यहाँ एग्जाम्पल देखिए, 18 को अगर हम वन से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18 ही आएगा, बिकॉज वन की टेबल में 18 टाइम्स में ही आता है। देन सेकेंड प्रॉपर्टीज़, व्हेन वी डिवाइड ज़ीरो बाय ए नंबर। क्या बोल रहे हैं, जब ज़ीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जब ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो देन द क्वेश्चन, यानी जो आंसर आएगा वो होगा ज़ीरो। लाइक यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ज़ीरो को डिवाइड करेंगे 49 से तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय इट्सेल्फ द क्वेश्चन इज वन। क्या बोल रहे हैं, जब किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे इट्सेल्फ, यानी उसी नंबर से, तो आंसर क्वेश्चन वन आएगा। लाइक 15 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आंसर क्या आएगा, वन, बिकॉज 15 की टेबल में 15 वन टाइम में आता है। ओके, देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिविडेंड एंड डिविजर इन द डिवीजन। डिवीजन के अंदर हम डिविडेंड और डिविजर जो होते हैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक 14 है तो दिस इज डिविडेंड एंड देन इसको 2 से डिवाइड करें, दिस इज डिविजर। सो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है, तो आंसर 7 आ रहा है। तो यहाँ डिविडेंड एंड डिविजर अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, लाइक 2 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डिविडेंड और डिविजर का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ इज डिविजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ज़ीरो की टेबल नहीं होती है, तो हम ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। नाउ आप इसके बेसिस पर एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, फिल इन द बॉक्सेस। 72 को डिवाइड करेंगे 72 से, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 1 आएगा। सेकेंड इज 35 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर क्या आएगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से 35 ही आंसर आएगा। देन 3 0 को डिवाइड करेंगे 217 से तो देन आंसर इज 0। फोर्थ इज किस नंबर को डिवाइड करें 1 से कि आंसर 824 आ जाए। सो इसी नंबर से 824 को ही हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी ये आंसर आया होगा, इसलिए यह नंबर यही आएगा। देन फिफ्थ किस नंबर को 172 से डिवाइड करेगी आंसर 1 आ जाए, तो 172 172 होता है, सो यहाँ सिमिलर नंबर ही डिवाइड हुआ होगा। देन सिक्स्थ इस किस नंबर को 720 से डिवाइड करेगी आंसर 0 आ जाए, तो आंसर 0 तब आता है जब हम 0 को ही डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, सो यहाँ 0 राइट करेंगे। नाउ सेवेंथ इज 527 को 527 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। देन एट्थ 0 को डिवाइड करेंगे 1175 से तो आंसर 0 आएगा। नाइन्थ 2670 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2670 ही आएगा। देन 807 को 807 से ही डिवाइड करेंगे एंड आंसर 1 आता है। देन किस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे कि 153 आ जाए, सो 153 को ही 1 से डिवाइड करेंगे। देन लास्ट ट्वेल्थ किस नंबर को 999 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आ जाए, तो वो नंबर 0 ही होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3। सो ये डिवाइड बुक में ही करना है, डिवाइड द फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। फर्स्ट डिवाइड यहाँ किया हुआ है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं 47 को, तो 5 की टेबल में 47 नहीं आता है, सो 9 टाइम्स में 45, 5 नाइन सा 45। नाउ माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 4 0, तो क्वेश्चन 9 एंड रिमाइंडर इज 2, इस तरह से आया है। अब नाउ सेकेंड 28 को 4 से डिवाइड करना है, सो इस तरह से करेंगे हम 4 एंड देन 28। नाउ 4 की टेबल में 28 आता है,
एंड सेवन टाइम्स में आता है, तो सेवन यहाँ राइट कर रहे हैं हम, एंड फोर सेवन सा 28, माइनस करेंगे तो 8 - 8 ज़ीरो, 2 - 2 भी ज़ीरो. सो नाउ क्वेश्चन इज 7 एंड रिमाइंडर इज 0. इसी तरह से थर्ड, 58 को डिवाइड करेंगे 6 से, सो 6 जो है वो डिविज़र होगा सेकेंड नंबर, एंड फर्स्ट नंबर 58 इज़ द डिविडेंड. नाउ 6 की टेबल में 58, सो 6 की टेबल में 58 नहीं आता है, सो इससे स्मॉलर नंबर अगर हम 6 की टेबल बोलेंगे तो 6 9 टाइम्स में 54 आता है. माइनस करेंगे 8 - 4 - 4 एंड 5 - 5 - 0. सो क्वेश्चन क्या आ रहा है, 9 एंड रिमाइंडर इज 4. सो अब इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं.